गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं गाइस आप सब ठीक होंगे। गाइस आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं पल्सर 180 की न्यू ब्लू एंड ब्लैक कलर। गाइस आपको एक बात और मैं क्लियर कर दूं गाइस कि जो पल्सर 180 है, जो 180 एफ फेयरिंग वाली आती थी उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। जी हाँ, उस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया गाइस, और फिलहाल बजाज की तरफ से आप लोगों को ये पल्सर 180 देखने को मिल रही है, जो कि पहले ये आती थी, फिर इसे बंद किया गया, फिर 180 एफ फेयरिंग निकाली गई, फिर 180 एफ फेयरिंग करके फिर बंद करके फिर से इस बाइक को मार्केट में ला दिया गया। तो गाइस आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यूज आने वाले हैं, बाइक का प्राइस स्पेसिफिकेशन आप लोगों के मैं सामने रखने वाला हूँ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस बाइक का हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रख पाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। देखिए मेरे हिसाब से अगर हम कोई भी चीज़ खरीदने वाले तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखता प्राइस, इसलिए मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले प्राइस रखता हूं। गाइस अगर बात करें इस बाइक के एक्स शोरूम प्राइस के बारे में तो इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो लगभग 1,11,000 रुपए के आसपास का एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस के बारे में तो उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हर एक स्टेट में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर स्टेट का आरटीओ एंड इंश्योरेंस चार्जेस में डिफरेंस होता है। गाइस ये बाइक हमारे यहां रायपुर छत्तीसगढ़ में 1,32,000 रुपए के आसपास, थोड़ा सा अमाउंट आपको इधर उधर देखने को मिल सकता है, बट 1,32,000 के आसपास की आपको ये बाइक ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है रायपुर छत्तीसगढ़ में। अब आप लोगों के स्टेट में इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस है अगर आपको पता हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वही दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के सबसे पहले कलर ऑप्शन के बारे में, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बाइक में आप लोगों को फिलहाल तो ब्लैक एंड रेड कलर मिलता है, ब्लैक एंड ब्लू कलर मिलता है जो कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो। एंड पल्सर्स में जैसे आपको पता है कि न्यू कलर्स आ रहे हैं, फिलहाल 180 में नहीं आए, अगर उसमें आते तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। बात करते हैं गाइस इस बाइक के इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। इंजन टाइप में 4 स्ट्रोक SOSC 2 वॉल्व एयर कूल्ड BS6 कंप्लाइंट DTSI F इंजन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। गाइस इस बाइक को 178.6 cc से हिसाब से डिजाइन किया गया, मतलब इंजन यूज किया गया 178 cc का, जनरली आप इसे 180 cc के नाम से जानते हैं। इस बाइक में 17.02 का PS पावर है जो कि 8500 RPM पे पावर जनरेट करता है। जी हाँ, मैक्सिमम पावर में 17.02 का PS पावर है एंड मैक्सिमम टॉर्क में 14.52 का न्यूटन मीटर टॉर्क इस बाइक में है जो कि 6500 RPM पे पावर जनरेट करता है। गाइस इस बाइक में एयर कूल्ड इंजन है, बाइक में 2 वॉल्व है, ड्राई टाइप में चैन ड्राइव है। स्टार्टिंग टाइप में ध्यान रखिए इस बाइक में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ का ऑप्शन आता है, इस बाइक में किक का ऑप्शन नहीं आता। जैसे पल्सर 150 ट्विन डिस्क में भी किक का ऑप्शन नहीं आता, दोनों ही बाइक सेम है, बस ये 180 है वो 150 है, ठीक है। फ्यूल सप्लाई में ऑब्वियसली फ्यूल इंजेक्शन आता है, जैसे आपको पता है कि हर एक BS6 व्हीकल में फ्यूल इंजेक्शन को कॉमन कर दिया गया है। ट्रांसमिशन आपको इस बाइक में 5 मैनुअल स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक की जो नॉर्म्स टाइप है, एमिशन टाइप है, ऑब्वियसली BS6 वेरिएंट है। तो ये था दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन। जहां तक अगर बात करें पावर के बारे में तो 17.02 का PS पावर, यानी कि बाइक की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो काफी बेटर देखने को मिल जाती है इस बाइक में, बहुत अच्छा बाइक परफॉर्म करती है। अगर आप 150 से कंपैरिजन करोगे तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि भले आपको 8 से 10 हज़ार रुपये ज्यादा लग रहे हैं, आपको ये बाइक परचेज करना चाहिए। 10 हज़ार भी की नहीं, ज्यादा से ज्यादा 8,000 रुपीज के आसपास का आपको ज्यादा लगेगा और आप इस बाइक को परचेज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे पावर एंड फील काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा कंपेरिजन टू 150। बात करते दोस्तों इस बाइक की माइलेज के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से गाइस माइलेज भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों आजकल आप देख रहे हो कि पेट्रोल के जो प्राइस है वो क्या हो चुके हैं। बात करते दोस्तों इस बाइक की माइलेज के बारे में, इस बाइक में आप लोगों को ऑलमोस्ट 40 to 45 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा। जी हाँ, 40 to 45 के आसपास का माइलेज आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बाइक में आपको जो माइलेज मिल रहा है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के फीचर एंड सेफ्टी के बारे में, इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में। सेफ्टी में गाइस इस बाइक में आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिलता है। जी हाँ, इस बाइक में सिंगल चैनल ABS दिया गया है, जो कि डुअल चैनल ABS नहीं आता, मैं क्लियर कर दूं। सिंगल चैनल ABS फ्रंट ABS काम करता है, रियर ABS नहीं करता, ठीक है। बात करते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, इस बाइक में एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने
देखने को मिल जाता है जो कि न्यू डिजिटल मीटर है। ध्यान रखिए जी हाँ, इस पर जो डिजिटल मीटर है उसको नया डिज़ाइन किया गया कुछ दिन पहले ही। ठीक है, बात करते हैं स्पीडोमीटर के बारे में। तो इसमें आपको स्पीडोमीटर डिजिटल है, टेकोमीटर एनालॉग है जिसे आरपीएम मीटर भी कहते हैं, साथ में ट्रिप मीटर है, ऑडोमीटर है, फ्यूल गेज है, डिस्टेंस टू एमडी इंडिकेटर इसी अपडेट में इसमें ऐड किया गया है, साथ में लो फ्यूल इंडिकेटर, एबीएस लाइट, इंजन मालफंक्शन लाइट, ये सारे फीचर्स भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। वही दोस्तों अगर बात करें स्विचेस के बारे में तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे लो बीम, हाई बीम, पास इंडिकेटर्स एंड हॉर्न के स्विचेस मिलते हैं। राइट हैंड साइड में आपको इंजन किल स्विच एंड सेल्फ के स्विच आपको इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के चेसी एंड सस्पेंशन के बारे में। अगर बात करें इसके बॉडी टाइप के बारे में तो जनरली दोस्तों देखा जाए तो ये कम्यूटर सीरीज ही है, बट इसे स्पोर्ट बाइक्स भी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस बाइक के सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में इस बाइक में टेलीस्कोपिक यूज़ किया गया है, बट नो डाउट काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है। और अगर बात करें रियर में तो रियर में 5-way एडजस्टेबल नाइट्रोशॉक एब्जॉर्बर इस बाइक में यूज़ किया गया। ठीक है, और मैं आपको क्लियर करूँ कि बाइक बहुत ज़्यादा कम्फर्ट है। अगर आप एक कम्फर्टेबल गाड़ी ढूंढ रहे हो, आपको एक कम्फर्ट बाइक चाहिए, तो वहाँ पर दोस्तों आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बात करते हैं इस बाइक के लेंथ एंड कैपेसिटी के बारे में। इस बाइक की जो ओवरऑल लेंथ है गाइस वो 2035 mm की, बाइक की जो विड्थ है वो 765 mm की, इस बाइक की जो ओवरऑल हाइट है गाइस वो 1115 mm की, एंड बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 15 लीटर की। एक बार में आप इस पे 15 लीटर पेट्रोल फ्यूल करा सकते हो। और अगर बात करें इस बाइक की सीट हाइट के बारे में तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 800 mm की, 800 mm की इसकी सीट हाइट है। यानी कि अगर आपकी हाइट जनरली 5.2 या उससे ऊपर है तो आप इसे कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। बाइक की जो ग्राउंड क्लियरेंस है गाइस वो है 165 mm की। आपको पता है इंडियन रोड में काफ़ी ब्रेकर्स होते हैं, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्हील बेस 1345 mm की, एंड बाइक का जो कर्व वेट है गाइस वो है 151 kg का। और दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल में दोस्तों बात करते हैं इस बाइक के हेडलाइट में, तो हेडलाइट में दोस्तों इस बार तो आपको फिलहाल बजाज की तरफ से एलईडी वाले ऑप्शन नहीं आए हैं, बट मुझे उम्मीद है कि बजाज की तरफ से आपको बहुत जल्द वो अपडेट मिलेंगे। बट फिलहाल तो अभी आपको इसमें हेडलाइट में हैलोजन मिल जाता है, बट काफ़ी ब्राइट है, नो प्रॉब्लम। साथ में टर्न सिंगल लैंप में इसमें आपको बल्ब देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड रियर में आपको टेल लाइट में बल्ब देखने को मिल जाएंगे, साथ में टेल लाइट आपको इसमें एलईडी देखने को मिलती है। बैटरी टाइप मेंटेनेंस फ्री बैटरी है, बैटरी कैपेसिटी आपको 12 वॉट की इस बाइक में देखने को मिल जाती है। बात करते हैं दोस्तों इस बाइक के टायर्स एंड ब्रेक्स के बारे में। टायर साइज इस बाइक में फ्रंट में जो टायर है, जी हाँ सामने के जो टायर है उसमें 1990 का टायर यूज किया गया है जो कि 17-inch व्हील के साथ में आता है। ठीक है, व्हील साइज जो है वो 17-inch है। ठीक है, रियर में 120/80 का टायर देखने को मिल जाता है जो कि 17-inch व्हील के साथ में आता है। टायर टाइप ट्यूबलेस टायर है, व्हील टाइप में अला व्हील है। बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में। तो ब्रेकिंग में मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेशल फीचर में आपको इस बाइक में सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाता है। जी हाँ, सिंगल चैनल ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ABS होने की वजह से हमारी बाइक की जो कंट्रोलिंग होती है, जो ब्रेकिंग होती है, वो काफ़ी बेटर हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें प्लेट्स के बारे में तो फ्रंट में इसमें जो प्लेट यूज़ की गई है वो 280 mm की, जी हाँ 280 mm की प्लेट इस बाइक में फ्रंट में यूज़ की गई है। रियर में इस बाइक में 230 mm की प्लेट यूज़ की गई है, 230 mm की। तो ये था दोस्तों न्यू बजाज पल्सर 180 के ब्लू कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, प्लस ये बाइक कैसी लगी। देखिए गाइस, अगर आप लोगों को एक अच्छी पावरफुल बाइक चाहिए एंड जो आपका बजट है 130,000 रुपीज़ के आसपास का है, तो मेरे हिसाब से आपको ज़रूर पल्सर 180 परचेज करना चाहिए। ठीक है, देखिए इस बाइक का जो लुक है वो आपको काफ़ी स्पोर्टी प्लस मस्कुलर मिलता है, बाइक काफ़ी प्यारी भी लगती है। ठीक है, साथ में दोस्तों इस बाइक में आपको जो कंफर्ट मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। जी हाँ, बाइक जो है बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। इसकी जो हैंडलिंग है खासकर वो मुझे बहुत पसंद है बजाज की। ठीक है, तो ये एक चीज़ आपको इस बाइक में एडवांटेज मिलेगा। साथ में इस बाइक को आप राइड करोगे तो आपको यहाँ पे एक फील होगा कि बाइक का जो इंजन है, इंजन बहुत ज़्यादा स्मूथ है। BS6 इंजन जो है पल्सर का, बजाज की आप कोई भी गाड़ी उठा लो, उनका जो BS6 इंजन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये भी आपको एडवांटेज मिलेगा। प्लस बाइक की जो मेंटेनेंस है गाइस वो भी काफ़ी लो है, मतलब लो मेंटेनेंस है, कम मेंटेनेंस मांगती है। साथ में इस बाइक में जो माइलेज मिलेगा आपको वो भी काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। और बात पल्सर 180 की नहीं है, बजाज की आप कोई भी बाइक्स उठाकर देख लो, हर व्हीकल्स में आपको जो माइलेज होता है इनकी बाइक्स में वो आपको काफी बेटर देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ओवरऑल जो ये बाइक है बहुत अच्छी बाइक है, मेरे हिसाब से बिल्कुल आपको ये बाइक परचेज करना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। प्लीज अगर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये बाइक कैसी लगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को आज की इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचते रह सके और आप मेरे वीडियोस अपडेट रह सकें।